नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल के बाद पीएम शहडोल आएंगे, जहां वे वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे एवं स्किल सेल से जुड़े कार्यक्रम भी लॉन्च करेंगे। लालपुर मैदान में प्रधानमंत्री को सुनने लाखों की संख्या में भीड़ आने की उम्मीद है। पीएम की सुरक्षा को लेकर भी एजेंसियों द्वारा खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लालपुर मैदान में एमपी पुलिस के 1000 जवान से ज्यादा सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी शहडोल पहुंचकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। आगामी 27 जून को प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे लालपुर मैदान पर पहुंचेंगे। यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पकरिया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लालपुर मैदान में पकरिया ग्राम के 6 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की जा रही है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। पकरिया गांव के आम के बगीचे में पीएम जनजातीय समुदाय के साथ भोजन एवं संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम पूरे 3 घंटे शहडोल में बिताएंगे। इस दौरे को लेकर शासन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 50 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारी तैनात रहेंगे। इनके जिम्मे सभा में पहुंचने वाली भीड़ के अलावा प्रधानमंत्री की गतिविधियों से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्थाओं पर नजर रखने की होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में राज्य के अलावा केंद्र से भी कई आईपीएस अधिकारी शहडोल पहुँचेंगे। सुरक्षा का सबसे प्रमुख जिम्मा एसपीजी के जवानों के पास होगा। साथ ही आईबी के अधिकारी शहडोल और सभा कार्यक्रम स्थल से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम के आने से जाने तक उनके हर एक पल की गतिविधि में शामिल होने वाले लोग, व्यवस्था स्थल, सामान आदि का परीक्षण किया जा रहा है। शासन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लालपुर मैदान पर पीएम के कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सभा स्थल पर इसी संख्या को अनुमानित मानकर सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। पीएम के शहडोल आगमन पर कलेक्टर वंदना वैद ने सभा और कार्यक्रम स्थल में किसी भी प्रकार की संदिग्ध पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। डीएम ने कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के साथ लालपुर पकरिया क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। इन यात्राओं का शुभारंभ माननीय अमित शाह जी करेंगे और 27 तारीख को शहडोल पधार रहे हैं। पहले भोपाल, जहां प्रधानमंत्री जी 2 वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ करेंगे। भोपाल की पवित्र धरती से बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी का होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जी का शहडोल कार्यक्रम है 27 तारीख को। ध्यान यात्राओं का समापन भी होगा और वीरांगना रानी दुर्गावती, उनका बलिदान दिवस 24 को है, लेकिन 24 को कई स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, इसलिए 27 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम में मनाया जाएगा। और 2 अभियान प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। एक तो अभियान लॉन्च करेंगे सिकल सेल एनीमिया मिशन, सिकल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनके इलाज की व्यवस्था के लिए एक नया ये अभियान होगा। और दूसरे, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हैं। उन आयुष्मान कार्ड का वितरण भी शहडोल में प्रतीकात्मक रूप से होगा, लेकिन उसी समय सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और उसके साथ साथ कई पंचायतों में, गांव में, शहरों में भी ये वितरण का काम किया जाएगा। और आयुष्मान भारत, आप जानते हैं, 5 लाख तक का परिवार का इलाज साल भर में निःशुल्क करवा के दिया जाता है। इस पवित्र अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए सौभाग्य होगा। और शाम को प्रधानमंत्री जी हमारी लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। लखपति दीदी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते करते जिनकी आय साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है,
उनको हमने लखपति दीदी कहा है, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियां सुधारी हैं। पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता तोड़ा है, स्वयं फैसला किया कि हम तोड़ेंगे, वन विभाग नहीं तोड़ेगा, वन समितियां तोड़ती थी, उनसे भी वो संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। पूरे शहडोल के आसपास फुटबॉल के खिलाड़ी गांव-गांव में हैं, फुटबॉल क्लब बने हुए हैं, तो बच्चों से भी वो संवाद करेंगे और जनजाति समाज के मुखियाओं से भी बात करेंगे, वहीं उनका भोजन भी होगा। प्रधानमंत्री जी का आना हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है, मध्य प्रदेश में वे फिर सौगातें लेके पधार रहे हैं। क्या परिवेश होगा यहाँ पर? पकरिया गांव में पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में उनका स्वागत करने के लिए तैयारी की गई है। गांव वालों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। उस गांव का जो मूल ओरिजिनल रूप होता है, बस उसी रूप में उनके साथ इंटरेक्शन के लिए कुछ जनजाति समूह के सदस्य हैं, कुछ लखपति बहना हैं और कुछ पैसा मोबिलाइजर्स वगैरह हैं, जो पैसा समिति है जिन्होंने तेंदुपत्ता में काम किया है और उन लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया है। और यदि ऐसा मौका लगेगा तो पारंपरिक भोजन के लिए भी हम लोगों ने प्लान तो किया है कि उसमें जैसे यहाँ पे जो कोदा होता है, कुटकी होता है और ज्वार बाजरा वगैरह की रोटी होती है, यहाँ पे अमरू होता है और ये इसी तरह की सब चीज़ें हम लोगों ने अभी सोच के रखी है। उनके स्वागत में भी यही झलक होगी? हाँ, पूरी तरह से यही ग्रामीण परिवेश की झलक होगी। कब आएंगे वो, किस तारीख को? 27 तारीख को आएंगे और पहले लालपुर का मुख्य कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद यहाँ का भी प्लान किया जा रहा है। अभी से प्रस्तावित है ये कार्यक्रम। 27 जून को प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, सुरक्षा व्यवस्था क्या उपाय किए गए पूरे शहडोल जिले को लेकर? VVIP दौरे के जो निर्देश होते हैं डिटेल में ब्लू बुक में होते हैं, उसके सभी निर्देशों का यहाँ पालन किया जा रहा है। सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ और जो VIP प्रोटेक्शन एजेंसियाँ हैं, सभी की टीमें यहाँ आ चुकी हैं, लगातार दौरे चल रहे हैं और सभी के इनपुट लेकर पुख्ता व्यवस्था बनाई जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौके पर उपलब्ध है और चाक चौबंद व्यवस्था के साथ पूरी VVIP ड्यूटी संपन्न कराई जाएगी। सर, लालपुर ग्राउंड है, वहाँ से लेकर पकरिया ग्राउंड 6 किलोमीटर दूरी पे है, उसको लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या है? इसमें जो बैरिकेडिंग वगैरह चल रही है वो आपने देखी होगी, इसके साथ ही पुलिस बल हर चौराहे पर, हर गली में तैनात रहेगा और पूरे जो मार्ग है उसकी पेट्रोलिंग भी लगातार चलती रहेगी, लगातार पैनी निगाह बनाई रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधियाँ या कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पर ना हो पाएँ।